नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। अपनी मांगों को लेकर सचिव संगठन में जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले जिले के समस्त सचिव द्वारा अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है तथा समस्याओं का निराकरण करने की मांग भी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव लंबे से अपनी अत्यंत गंभीर एवं जायज मांगों को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तत्कालीन एवं वर्तमान सरकार के समक्ष पंचायत सचिव की ज्वलंत समस्या एवं मांगों को रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया, किंतु पंचायत सचिव के प्रति सरकार की गंभीरता नहीं होने के कारण पंचायत सचिव लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं आगे की जानकारी देते हुए ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पंचायत सचिव सरकार की टीम के रूप में शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। बदले में पंचायत सचिवों को सौतेला व्यवहार जैसे रुख अपना रही है। ऐसे सचिवों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है तथा समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। मांग हमारी है, हम लोग मूल विभाग हमारे जो पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग है, विभाग में समिलय करते हुए राज्य कैडर में हमको शामिल किया जाए। और भी अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जो कि शासन स्तर शासन प्रशासन स्तर पर विचाराधीन है और उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं, उसके समाधान के लिए भी हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यह हमारा धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉकों में अनवरत रूप से क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। तो राहुल जी, क्या कारण मानते हैं सरकार जो हमेशा इन चीज़ों को क्यों अवॉइड करती है, क्यों अनसुना कर देती है, जबकि काफ़ी महत्वपूर्ण मांग है, चाहे वो वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे वो फिर अंशदायी पेंशन की बात हो, तो इन चीज़ों को लेकर सरकार का सिस्टम ऐसा क्यों है, ऐसा लापरवाह सिस्टम क्यों है? हमारा मानना तो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी, जिन्होंने 2018 में हम लोगों को नियमितीकरण सहित छठे वेतनमान के सौगात सौंपी है जी, किंतु कुछ शासन स्तर पर कुछ अधिकारी एवं उनके कुछ जो राजनीतिक जो पदाधिकारी है जी, कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे प्रति सोच अच्छी नहीं होगी या वो समझ नहीं पा रहे होंगे जी। हम उन पर एकदम से दोषारोपण भी नहीं करना चाहते, क्योंकि लेना उन्हीं से है और हमारा निवेदन है प्रदेश संगठन की ओर से कि वो सहानुभूतिपूर्वक पुनः इसमें विचार करें और गंभीरता से समझे, जैसा कि समस्त कर्मचारियों के लिए उन्होंने निष्पक्ष रूप से लागू किया है, तो हमें भी लागू करें। 6,000 लाख कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है 2016 से, लेकिन पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा है। और दूसरा मांग जो है वो छठवां वेतनमान की जो गणना है, जो नियुक्ति दिनांक से होना चाहिए था, वो नियुक्ति दिनांक से ना करके 2008 से मतलब छठे वेतनमान की गणना की गई है, वो विसंगतिपूर्ण है। हम चाहते हैं कि छठे वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से हो और पंचायत सचिवों को जो जिला सभर्ग में संबित किया है, हमारी जो मांग है वो समस्त प्रदेश के पंचायत सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास में संविलियन करें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में शामिल करें। ये तीन प्रमुख मांगे हमारी हैं और साथ के अन्य मांगे हैं। क्या वजह मानते हैं, काफ़ी सालों से आप लोगों की ये लड़ाई है, पहली बात तो काफ़ी समय लगाया सरकार ने आपकी मांगों को मानने के लिए, उसमें भी जो है पेंशन संबंधी काफ़ी विडम्बनाएं हैं जिसको लेकर आप लोग अक्सर ये मांगे करते हैं, क्या मानते हैं सरकार का ऐसा रवैया क्यों है, जबकि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है आप क्रियान्वित करते हैं? पंचायत सचिव संगठन पंचायत की हड्डी होती है जी। प्रदेश के 52,000 गाँव में पंचायत सचिवों ने जो ग्रामीण स्तर की जो योजनाएं हैं, जो ग्रामीणों की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जी, उनको ग्रामीणों को तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं पंचायत सचिव साहब भी। लेकिन प्रदेश सरकार जो इसके पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, जो 15 महीने तक के मतलब यहाँ पे पदासीन रही, उनके एजेंडे में, उनके वचन पत्र में हमारी मांगे रखी गई थी कि जब भी कांग्रेस सरकार आती है तो सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश में सरकार रही नहीं और आज फिर वर्तमान में भाजपा सरकार पदासीन है और भाजपा सरकार ने भी हमें छठे वेतनमान का लाभ दिया था, लेकिन विसंगतिपूर्ण छठे वेतनमान की गणना की गई है।